हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं एकता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल खाना ऑन डिमांड में। आज मैं आपके साथ करेले की रेसिपी शेयर करूँगी। वैसे तो करेले बहुत सारे तरीक़ों से बनाए जाते हैं, बट आज फ्राइड करेले की रेसिपी शेयर करूँगी, जो बहुत टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही सिंपल है बनाने में भी। फ्रेंड्स, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, सो दैट मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। देखते हैं रेसिपी को। इसके लिए सबसे पहले मैंने ये 300 ग्राम करेले लिए हैं और इसको थोड़ा सा पील करके इस तरीके से चॉप कर लेंगे पीसेस में। मैंने सारे करेलों को इसी तरीके से कट कर लिया है। आप चाहें तो इसके बीज भी निकाल सकते हैं। तरीके से थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे और इसको मिक्स करके हाफ़ एन आवर के लिए रख देंगे, जिससे कि जो करेलों में कड़वापन है वो हट जाएगा। तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको मैं हाफ़ एन आवर के लिए रख दूंगी साइड में। हाफ़ एन आवर के बाद में जो करेले थे उसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और अभी इसको बॉयल होने के लिए कुकर में डालेंगे। तरीके से सारे करेलों को डाल देंगे। एंड इसी के साथ में अनियन, थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में अनियन लेंगे, इसको भी बॉईल होने के लिए डाल देंगे। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे, आप चाहें यहाँ पे थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। एंड थोड़ा सा वाटर ऐड करके इसको बॉयल होने के लिए रख देंगे, ज़्यादा वाटर ऐड नहीं करेंगे और इसको बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, बस थोड़ा सा बॉयल करना है और फिर इसको हटा देना है। ये बॉयल हो चुका है, अभी फ्राई करने के लिए मैं ये ऑयल डाल दी हूँ कढ़ाई में। थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में ऑयल लेंगे, ये क्यूमिन सीड, ये ग्रीन चिली, जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा सा हींग डालेंगे, ये हींग है, स्पाइसेस में टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर एंड थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे इसको। इसके बाद में जो बॉयल किए थे करेले उनको मैंने डाल दिया है और स्पाइसेस के साथ में इसको मिक्स कर देंगे। तरीके से यहाँ पे ये सौंफ और धनिया मिक्स पाउडर है वो डाल रही हूँ मैं, इसको भी मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा गरम मसाला, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। और अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। इसको ढकना नहीं है, बस खुले रखने के ही इसको फ्राई करना है। इस तरीके से चलाते रहेंगे इसको, ये मीडियम फ्लेम पे इसको इस तरीके से फ्राई करेंगे। देखिए इस तरीके से चलाते रहेंगे इसको, बीच बीच में छोड़ देंगे 2-3 मिनट के लिए। 2-3 मिनट के बाद में फिर इसको चला देंगे। इस तरीके से फ्राई करना है। इस तरीके से अभी देखिए ये फ्राई हो चुके हैं ऑलमोस्ट। इसी तरीके से आपको करना है फ्राई।
तरीके से ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नींबू डाला है। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये फ्राइड हो चुके हैं करेले अच्छे से, और गैस के फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। कोरिएंडर लीव्स इसको भी डाल दिया मैंने। एंड लीजिए, आपके फ्राइड करेले बनके तैयार हैं। बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इसको पराठा, चपाती किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी करेले बनते हैं इस तरीके से। एक बार ज़रूर आप ट्राई करके देखिए। एंड ज़्यादा आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं डालना पड़ता है। सो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।